यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? शरीफ, लड़कियां इस तरह दरवाजों और खिड़कियों में से झांकती हुई अच्छी नहीं लगती। हाँ, तेरे हिसाब से तो शरीफ लड़कियां ना बोलती हैं ना हंसती हैं। कपड़े अपनी पसंद की तो मजबूरी है, लेकिन उनकी ख्वाहिशें, उनकी हसरतें, उनके ख्वाब, उनके अरमान सब हराम होते हैं, है ना? हाँ, जब अपनी हदूद और असूल से निकलकर कोई काम बाहर करे ना तो हराम ही कहलाएगा। मैं भी पता नहीं किससे सर खपा लिया। अपनी माँ से, और किससे? इस बदनसीब माँ से। काश तू मेरी माँ ही ना होती। हाँ, काश तेरे जैसी भी मेरी बेटी ना होती तो अच्छा होता। हाँ तो कह रही थी ना उस वक्त, गला घोट के मार देती, रोका किसने है? अल्लाह के कानून ने रोका। जितना तूने रूही मुझे सताया है ना, अरे तुझे कुछ कहती ना कहती अपने आप को जरूर मार देती मैं। पता भी है अभी तेरी खाला को कितनी मिन्नतों के साथ मूसा से तेरी शादी करवाने के लिए मनाया मैंने, बस पैर ही नहीं पकड़वाया उसने। क्या मतलब है तेरी इस बात का? बगैर मेरी इजाजत के तू कैसे रिश्ता कर सकती है? मैं बता रही हूँ तुझे, शादी तो दूर की बात है, मंगनी भी नहीं करूंगी। मैं भी तेरी माँ हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं करती उससे शादी। अल्लाह, किस औरत के पल्ले बांध दिया है? मेरी माँ ही मेरी खुशियों की दुश्मन हो गई है। इस घर से तो भाग भी नहीं सकती, भाग के कहाँ जाऊंगी? अल्लाह।